तो आज हम लोग कक्षा आइट के लिए है ना, आज हम कक्षा आइट के लिए समांतर चतुर्भुज के बारे में है ना, समांतर चतुर्भुज क्या है, इसके गुणधर्म क्या हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ बना हुआ है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ना, इसको समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, तो पहले हम लोग को परिभाषा जानना होगा है ना, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज का है ना, परिभाषा इसका क्या है, तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ये इसका परिभाषा है ना। अब यहाँ हम लोग को जानना है कि सम्मुख भुजाएं क्या होता है, ये पहले हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं 6-7 में, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं है ना। देखिए इसमें ए बी सी डी चार भुजाएं हैं, ए बी पहली भुजा, बी सी, सी डी और डी है, चार भुजाएं हैं। तो ए बी और सी डी यानी कि आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती है। तो ये ए बी और सी डी आमने सामने भुजाएं हैं है ना, ए डी और बी सी आमने सामने की भुजाएं हैं है ना। तो यहाँ ए बी और डी सी समांतर है, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी किसके समांतर है, डी सी के, तथा ए डी किसके समांतर है, बी सी के। और इसीलिए ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है उसको हम लोग एक समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर है ना। अब हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, गुणधर्म के बारे में। तो गुणधर्म पहला गुणधर्म है ना, है आपको याद रखेंगे आप लोग सभी कि समांतर चतुर्भुज का पहला गुणधर्म है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। पहला गुणधर्म क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सम्मुख भुजाएं बोले थे, अभी बोले थे कि ए बी है ना किसके सम्मुख भुजा है, डी सी का, और ए डी किसकी सम्मुख भुजा है, बी सी का। इस तरह ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये निशान देखें, एक एक निशान सम्मुख भुजा है, दो दो निशान सम्मुख भुजा है ना। तो ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अब गुणधर्म नंबर टू क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं है ना, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण के बारे में भी समझ लेना है कि नहीं, सम्मुख कोण जैसे ए और सी, ए और बी आसन कोण है, पहले भी बताया जा चुका है, जो लगातार होता है वो आसन कोण होता है, कोण ए कोण बी आसन कोण है, कोण बी कोण सी आसन कोण है। सम्मुख कोण कौन है, जब हम लगातार में एक छोड़ देंगे, जैसे कोण ए कोण बी कोण सी, तो कोण बी को हम गैप कर देंगे तो कोण ए और कोण सी इसका सम्मुख कोण कहलाएगा है ना। इसी तरह बी सी डी में सी को गैप करें तो कोण बी और कोण डी आसन कोण कहलाएगा, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, ये क्या है, सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं है कि नहीं, दो गुणधर्म हम लोगों ने सीखा है ना। अब हम लोग आगे इसका गुणधर्म नंबर
3, गुणधर्म नंबर 3 हम लोग सीखेंगे। तो गुणधर्म नंबर इसका 3 क्या है बच्चों, याद रखेंगे गुणधर्म नंबर 3 है इसके विकर्ण संबंधित। किससे संबंधित है? इसके विकर्ण संबंधित। पिछले दिन आप लोगों को विकर्ण के बारे में बताया था हमने, है ना। विकर्ण कैसे बनता है चतुर्भुज में? जब हम सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं। कैसे बनता है? जब हम सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं, है कि नहीं। जैसे ए को जब हम सी से मिलाएंगे तो पहला विकर्ण बना, और बी को डी से मिलाएंगे, बी को डी से मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण बना। अगर ये दोनों विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते तो हम लोग कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर, है ना। और ये गुणधर्म नंबर 3 क्या है? तो गुणधर्म नंबर 3 है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को, यानी है ना, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब क्या होता है? समद्विभाजित करना मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना, है ना। समद्विभाजित यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे एसी जो विकर्ण है वो बीडी को दो बराबर भाग में बांटेगा, और जो बीडी विकर्ण है वो एसी को दो बराबर बांटेगा। कहने का मतलब है कि एओ जो है वो ओसी के बराबर होगा, तथा बीओ जो है वो किसके बराबर होगा? वो डी के बराबर होगा। ये इसका अर्थ, ठीक है। और एक और गुणधर्म इसका है, चौथा गुणधर्म, ठीक है। चौथा गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं क्या मतलब समझ रहे हैं? संपूरक मतलब बताए थे वैसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं अर्थात समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, है ना। ये दूसरे शब्दों में ये हम लोग इस गुणधर्म को कह सकते हैं, ठीक है। अब आसन कोण यहाँ कौन कौन है तभी समझाए कि जो लगातार कोण आए, जैसे कोण ए के बाद कोण बी, ती आसन कोण है, कोण बी और कोण सी आसन कोण है, कोण सी और कोण डी आसन कोण है, कोण डी और कोण ए आसन कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण बी जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक इसी तरह कोण बी और कोण सी जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, कोण सी और कोण डी जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, और कोण डी और कोण ए जोड़ने पर भी 180 डिग्री। ये गुणधर्म 4 का अर्थ, ठीक है बच्चों। तो आज समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है कि नहीं। कितने गुणधर्म थे? 4 गुणधर्म। पहला क्या था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा गुणधर्म क्या था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, है कि नहीं। तीसरा गुणधर्म था इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एओ बराबर ओ सी और बीओ बराबर ओडी। और चौथा गुणधर्म था समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180, और कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये चारों गुणधर्म आप नोट कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें। यही चारों गुणधर्म आपको अगला जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में मदद करेगा, ठीक।